जी एस एन जोन में सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों हमारी जो आज की वीडियो है वो क्यू मोबाइल G9 प्रो के बारे में है। इसमें लगे हैं सिक्योरिटी कोड, हमने उन सिक्योरिटी कोड को ख़त्म करना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले मोबाइल को PDT टूल के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे ही हम मोबाइल को PDT टूल के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये हमें बताएगा कि इसमें वॉल्यूम कौन सा लगा हुआ है। तो देखिए हमने मोबाइल को कनेक्ट किया और इसने हमें बता दिया कि इसमें जो CPU है वो है RDA। तो हम सबसे पहले CM2 SCR को ओपन करते हैं क्योंकि अब हमें मालूम हो चुका है कि इसमें जो CPU लगा है वो है RDA। तो दोस्तों जैसे ही हमारे पास CM2 का जो SCR टूल ओपन होता है, टूल हमारे पास ओपन हो चुका है और हमारे पास ये RDA का सेक्शन है। तो हम फॉर्मेट रीसेट, तो इसकी जो बूट की है वो सेंटर बटन है। सेंटर बटन को प्रेस करने के बाद हम एक बार फिर केबल को मोबाइल में इंसर्ट करते हैं। हमारा मोबाइल डिटेक्ट हो चुका है, ये CP6533G है। तो लीजिए इसमें लगे तमाम सिक्योरिटी कोड ख़त्म हो चुके हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो फिर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।